देखते हैं वो क्या कहते हैं। जाकर के धरना और वह व्यक्ति कभी दिल्ली की बुनियादी समस्याओं को समझ नहीं पाया। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था कि दिल्ली की सड़कें इतनी खराब, दिल्ली के अंदर एक भी नया स्कूल नहीं खुलवाया गया, और तो और इन्होंने वायदा किया था शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का, आरओ का पानी घर घर पहुंचाएंगे, लेकिन भाइयों बहनों आरओ का पानी तो नहीं पहुंचाए, यमुना जी को पानी को और जहरीला बना दिया और उस सेवर का जहरीला पानी घर घर पहुंचा करके स्वयं तो खांसते ही थे, दिल्ली वासियों को भी खांसने के लिए मजबूर कर गए। भाइयों बहनों इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं, इनके पास किसी भी प्रकार का सुशासन का किसी भी प्रकार का कोई मॉडल नहीं, लेकिन इनके द्वारा चुनाव प्रारंभ होने के साथ ही शाहीनबाग, निजामुद्दीन और न जाने कहां कहां पर धरने प्रायोजित करवा दिए गए। जब इन धरनों को मैं देख रहा हूं तो मैं पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि धरने तो एक बहाना है, नागरिकता कानून तो एक बहाना है, वास्तविक निशाना तो मोदी जी के कार्यकाल में गरीब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए, और दूसरे कार्यकाल के दौरान देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए, उन निर्णयों से चिढ़ करके अब इन लोगों ने धरने के माध्यम से देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कुत्सित मंशा के साथ इस प्रकार का राग अपना प्रारंभ किया है। याद करिए इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के नारे वर्षों से लगते रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण महिलाओं के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगना सबसे महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने नहीं लगने दिया। आम आदमी पार्टी कभी भी तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाने की समर्थक नहीं रही, और मोदी जी ने आने के साथ ही तीन तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए रोक लगा करके महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय प्रारंभ किया। भाइयों बहनों मोदी जी ने आने के बाद दूसरा कदम उठाया, 1952 में इस देश के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब कांग्रेस की सरकार ने उस समय इस देश के अंदर संविधान में धारा 370 कुत्सित मंशा के साथ डाल करके कश्मीर को शेष भारत से अलग करने की कुत्सित चेष्टा की थी, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी असहमति टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था यह धारा 370 देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। भाइयों बहनों 1952 से लेकर के 2019 तक कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई,